तो हेलो दोस्तों कैसे हो सारे वेलकम बैक टू तो माय ब्लॉग और आज मैं आया हूँ अपने बाइक की सेकंड सर्विस कराने जो कि 5000 किलोमीटर पे थी 5000 किलोमीटर कवर हो गए हैं जैसा कि आपने देखा होगा मैं लॉन्ग राइड्स पे भी गया था अमृतसर गया था मसूरी गया था तो इस वजह से मेरे पाँच किलोमीटर बहुत जल्दी हो गए हैं और मैं आज आया हूँ अपनी सेकेंड सर्विस कराने बाइक की और बाइक की हालत अगर देखो कितनी गंदी हुई पड़ी है बारिशों का मौसम है तो बहुत बारिशों में एक्सटेंसिव भीग भीग के भीग भीग के बहुत गंदी हो चुकी है तो मैंने ज़्यादा साफ़ करने में एफर्ट लगाया नहीं क्योंकि मैं सर्विस का डेट ने बहुत नज़दीक आ गई थी इसलिए सर्विस जो है मेरे को करानी ही थी अल्टीमेटली तो इसलिए मैंने ज़्यादा साफ करने में मेहनत नहीं करी तो ये देखो पाँच हजार जो पाँच हजार किलोमीटर जो है वो कवर हो चुके हैं ये देखो ज़रा और बाइक की हालत देखो ज़रा आप क्या हालत हो चुकी है बाइक की कितनी गंदी बाइक हो चुकी है देखो जगह जगह से अगर आप देखो जगह जगह से इसका फेयरिंग टायर्स स्म गार्ड सब भाई गंदा हो चुका है बहुत तगड़ी तरह तो ठीक है चलो सर्विस कराते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं मैं पहुंच चुका हूं शोरूम और बाइक की सर्विस स्टार्ट हो गई है देखो और बाइक को डबल स्टैंड पे लगाने के बाद सबसे पहले करेंगे एफआई क्लीन उसके लिए टंकी को खोलना पड़ेगा बाइक की टैंकी को खोल दिया यहाँ पे आप देखो तो इस एफआई क्लीन के चौदह सौ रुपए अलग से लिए हैं मैं आपको पूरा प्राइस ब्रेकअप बताऊंगा पूरा सर्विस का प्राइस बताऊंगा टोटल प्राइस मेरा कितना लगा वीडियो के एंड तक बने रहना और ये है इंजन ऑयल जो इस बाइक में डलने वाला है ऐसे और भी पार्ट्स हैं धीरे धीरे बताता हूँ तो ये है इंजन ऑयल यामा लियुब का इसके बाद नंबर आता है एयर फिल्टर का एंड देन एयर क्लीनर और इसको लगाते टाइम मुझे बताया जा रहा है कि इसको हर दूसरी सर्विस पे चेंज कराना ज़रूरी होता है तो उसके बाद अगर आप जो मेरे सामने देखेंगे वो है एफ़ चेक मशीन ये एफ चेक करती है कि आपका मशीन सही चल रहा है नहीं चल रहा है तो यहाँ पर अच्छे से टैंक को क्लीन किया जा रहा है आप देख सकते हो ये बहुत अच्छे से जो टैंक के अंदर वाला पार्ट है टैंक अभी दूसरी साइड रखा है इन्होंने खोल के एंड देन आप देखो ये नट बोल्ट आ, से मतलब स्प्रे पूरा कर दिया अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया है इसके बाद इसके नट बोल्ट खोल के अब टैंक को फिट करेंगे इसमें हालांकि अभी इसके अंदर से फिल्टर निकलेगा अब ये देखो ये रहा फिल्टर इसका यही एफ आई क्लिन का बेसिक पार्ट जिसके एक्स्ट्रा पैसे लगे हैं मैं टोटल आपको प्राइस मनी बताऊंगा हर चीज़ का कितना कितना चार्जेस लगा है प्राइस ब्रेकअप जो है वीडियो के एंड में ये देखो अंदर से कितना क्लीन हो गया है अंदर से कुछ इस तरीके का नज़ारा है एंड आगे चलते हैं ये इसका फ़िल्टर था और अब आती है बारी इसके बाद इंजन ऑयल चेंज करने की तो अब हम यहाँ पे चेंज करेंगे इंजन ऑयल तो इंजन ऑयल चेंज कर लेंगे ट्रेन ट्रे नीचे रख दी है अब पुराना इंजन ऑयल देखो निकल रहा है अब इसमें नया इंजन ऑयल डलेगा ये खोल के ढक्कन और ये यहाँ पे भैया डाल रहे हैं इंजन ऑयल यामा ल्यूब और फिर उसके बाद चैन को क्लीन किया जा रहा है अभी ये चेन क्लिनिंग वाला प्रोसेस चल रहा है आप देखो एंड क्लिन करने के बाद अच्छे से स्प्रे किया ताकि वो बिल्कुल जो क्लीन वाला पार्ट था वो क्लीन हो जाए उसके बाद अब डाला जा रहा है कूलेंट बाइक में अब डल रहा है कूलेंट कूलेंट की जो क्वांटिटी है वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाता हूँ कितनी क्वांटिटी इसमें डली है कूलेंट की अभी तक बाइक बहुत गंदी है क्योंकि धुलने वाला पार्ट बाकी है और पूरी सर्विस होने के बाद अब इसको चेक करने के लेके जा रहे हैं और ये चेक करके आए हैं राउंड मार के पूरा बाइक का तो अब होएगी इसके बाद बाइक की धुलाई और बाइक हमारी रेडी है धुलने के लिए और ये बाइक को धुलने के लिए ले गए अंदर ये देखो मस्त धुलाई हो रही है इसकी एंड धुलने uh, के बाद इसके पास जो पार्ट बचा हुआ है हवा भरने वाला हवा भर रहे हैं अब टायर्स में हवा चेक कर रहे हैं एंड uh, प्रेशर जो है आगे वाले टायर में है ट्वेंटी नाइन एंड पीछे वाले में थर्टी थ्री होना चाहिए अब इसके बाद चेन ल्यूब डाल रहे हैं चेन ल्यूब कर रहे हैं अच्छे से चेन ल्यूब के बाद इसका लास्ट पार्ट जो है वो है पॉलिशिंग तो पॉलिशिंग कर रहे हैं और पॉलिशिंग पॉलिशिंग करने के बाद आप देखो एकदम क्लीन हो गई है बाइक एकदम नई लाइक like न्यू निकल के आ गई ये बाहर और ये आ रहा है इसका लुक निकल के जितना एरिया सब गंदा था सब बढ़िया हो गया एकदम साफ़ सुथरी बिल्कुल लाइक like न्यू आप देखो कितना बढ़िया फ़ील एंड फिनिश आ रहा है इसमें तो अब बात करते हैं कि इसका जो प्राइस ब्रेकअप है सर्विस में मेरा क्या क्या कॉस्ट लगा किस किस चीज़ों पर मेरा कितना कितना कॉस्ट लगा तो ये है आपके सामने स्क्रीन पर तो इसमें जो ख़र्चा हुआ है मेरा वो आप देखेंगे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं एफ़ क्लीन जो है वो चौदह सौ रुपये का हुआ है सर्विस का लेबर का कोई चार्ज नहीं लगा है और बाकी जो सामान है वो सबके चार्जेस आपके सामने हैं इंजन ऑयल जो है वो है पाँच सौ तीस रुपये का और फिर ऑयल क्लीनर दो सौ सैंतालीस रुपये का तो कुल मिला के सत्रह सौ बयासी रुपये सामान पे और चौदह सौ एक रुपये मेरे एफ़ आई चेक के तो टोटल मिला के मेरे को पड़ गया इकतीस सौ तिरासी रुपये का अमाउंट सर्विस का आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल हुई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो मैं इस बाइक से रिलेटेड और भी वीडियोस डालता रहता हूँ और मैं बहुत जगह घूमता रहता हूँ मैं बहुत मस्त ब्लॉग डालता हूँ आप देखना ज़रा मेरे चैनल पर जाके सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना वीडियो को लाइक कर देना मिलते हैं आपसे अगली बढ़िया वीडियो में तब तक के लिए बाय